हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू येट अनदर एडिशन ऑफ याकुज़ा ट्राइब। देहरादून का मौसम हर वीकेंड अच्छा हो जाता है, तो आज भी सैटरडे मौसम अच्छा हो गया, धूप खिली हुई है। आज थोड़ा ऑफिस का काम तो चक्कर में जल्दी नहीं निकल पाया, बट हाँ अभी कुछ काम से मुझे बाहर जाना है, थोड़ा सा सामान खरीदना है कुछ, तो उसी के साथ साथ मैं एक छोटी सी राइड मार रहा हूँ। प्लस मेरा गोप्रो, जैसे मैंने बताया था, गोप्रो और मेरा DSLR आ गया है, तो गोप्रो की टेस्टिंग प्लस ये जो विंडशीटर ली थी इसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी आज, एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक शायद जॉर्जिया बेस का प्लान करूँगा। आज सोचा था फिर अगेन, अभी एक बज चुका तो जाने में टाइम 2 घंटे के आसपास लगेगा, और उसके बाद आने में 2 घंटा, देन वहाँ पर ऊपर नीचे से चढ़ना, तो सो एटलीस्ट 5 to 6 hours का पूरा गेम है जॉर्जिया बेस जाना। तो आज वो नहीं, आज सिंपल देहरादून की गलियाँ रोड छानते हैं, क्या है देहरादून में, थोड़ा गोप्रो की टेस्टिंग करते हैं। सो लेट्स गो। बाइक भी रेडी है, बाइक इस बार मैंने एकदम दिखाता हूँ, एकदम वॉश करा के एकदम बढ़िया चमका दिए, बाइक एकदम मस्त चमक रखी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। अब राइड पे जाऊंगा तो अब गंदी होगी, तो लेट्स गो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो। तो दोस्तों निकल गया हूँ मैं बाइक राइड के लिए, ये फर्स्ट राइड है मेरी देहरादून में विद GoPro। तो अभी से पहले कैमरा नहीं था, तो आई वॉज वेरी मच मिसिंग माई कैमरा, तो आ गया है अब तो। हालांकि कुछ प्लान नहीं है, जैसे बताया मैंने कि जस्ट देहरादून की रोड्स में बाइक घुमा के आते हैं, ज़रा नोजोमी को देहरादून के दर्शन कराते हैं कि देहरादून की सड़क कैसी कैसी। तो दोस्तों प्रेमनगर में एक काम तो हो गया है, दो काम थे, एक चीज़ तो ले ली, अब दूसरी चीज़ रहती है, अब थोड़ा सा घूमते हैं। तो दोस्तों ज़रा पेट्रोल भरा लिया जाए, पेट्रोल भी ख़त्म है, हालांकि उतना ख़त्म होगा नहीं जितना पेट्रोल है, अभी चल जाएगा, लेकिन जब मिले मौका मार दो चौका। तो ओहो लाइन आया, तो दोस्तों मज़ा आ रहा है, जंगल का रास्ता, पूरा जंगल जंगल है, तो ये एक और छोटा सा पैच आता है जंगल का, ये रोड थोड़ी सी ख़राब है, आगे बहुत अच्छी रोड है, फिर आगे सीधा पहाड़ दिखते हैं। यार ये पानी धीरे करनी पड़ेगी, बाइक बड़ी मुश्किल से धुलवाई थी, साफ साफ कराई थी, फिर गंदी हो जाएगी। दोस्तों ये जो चौक है ना, इस चौक पे देखो स्ट्रेट जाएंगे सुधो वाला, इससे आप वापस अपना घर जा सकते हैं, और सीधा ये यूटर्न मार के राइट यूटर्न है थान गाँव। तो ये मैं जाके देखना चाहता हूँ कि ये रोड कहाँ जाती है, ठीक है, भाव वाले मेरे ख्याल से छोटी सी जगह है, ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लायक हो सकता है थान गाँव। चलते हैं 4 किलोमीटर, देखते हैं रोड कहाँ चले जाती है, उसके भोके आते हैं, तो चल के एक्सप्लोर करते हैं। सामने बिल्कुल पहाड़ियाँ दिख रही हैं, नज़र आ रही है पहाड़ियाँ, बिल्कुल पहाड़ों के नीचे है ये गांव, यहाँ बहुत बारिश होती है, ऐसी जगह में घर होने का अलग ही मिलता है। मॉनिटर लिजर्ड, दोस्तों अभी मॉनिटर लिजर्ड दिखी थी, लेकिन वो काफ़ी बड़ी थी और मुझे देख के भाग गए अंदर, थोड़ा मैंने वेट किया कि चलो देखता हूँ शायद वो बाहर है, लेकिन वो ऑब्वियसली एनिमल है तो इंसान को देख के भागे गई, और ये पता नहीं कच्चा रास्ता कहाँ जा रहा है। थोड़ा सा जाता हूँ आगे, कुछ लगा ठीक ठाक तो ठीक है, तो वैसे वापस दौड़ जाऊँगा, रिस्क मतलब भैया रिस्क कौन ले, डर लग रहा है भैया, हालांकि किसी गाँव के लिए जा रहा, लेकिन वो आ जा भी नहीं जाना यहाँ पे चक्कर ही है। लेफ्ट राइट लेफ्ट चलता हूँ, ये कोई छोटा रास्ता नजर आ रहा है। Thank you.
खानगांव आगे है? कितना दूर है? दूर है काफी। उसके आगे क्या है? उसके आगे कुछ है क्या? है वहां पे बस गांव है और कुछ नहीं है। झड़नी नदी के आगे तक ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही अल्टीमेट लोकेशन पहुंचा हूं, तो मैं अभी दिखाता हूं मैं कहां पे था। पहले लोकेशन दिखाता हूं, ये देखो पूरा पीछे पहाड़, पूरी पहाड़ के साथ ये देखो नदी, कितनी बड़ी नदी रही होगी ये, जब ये फुल फ्लो में रहती होगी, रही होगी मैं नदी कभी, या अभी भी तेज़ बारिश होगी जिस दिन बहता होगा पानी बहुत तेज़ आता होगा, बहुत डेंजरस होता होगा। लेकिन अभी तो इतनी बड़ी नदी है ये, आई एम वेरी सरप्राइज टू सी कि इतना बड़ा जो इसमें नदी का रास्ता बना हुआ है, मैंने कभी नहीं देखा था आज तक पहले, या नोटिस नहीं किया। तो मैं क्या कर रहा था, मैं आया हूँ इस रेंज से होता हुआ, यहाँ से इसके पीछे वो थान गांव है जहाँ मैं 4 किलोमीटर जाना है इसकी सोचा था, बट गया काफ़ी दूर तक गया। फिर वहाँ से मुझे देहरादून सिटी दिखने लगी, तो मेरा मोटिव पूरा हो गया, प्लस बाइक राइड भी करनी थी तो वो हो गई, तो सोचा वापस चलता हूँ। वापसी में मुझे एक टर्न दिखा तो टर्न करके राइट मुड़ गया और आके देखता हूँ तो ये लोकेशन है जिसमें नदी नीचे बह रही है यहाँ से नदी की, और यहाँ पे आवाज़ भी आ रही है नदी की। मैं चढ़ूँ तो यहाँ नीचे बीचों बीच नदी है कहीं, तो ये रास्ता आगे जाता है ये, अगर जाऊँगा साथ साथ पता नहीं शायद नदी में आके कनेक्ट हो भी रहा होगा क्या मालूम। तो वो पूरी पहाड़ों के ऊपर से आ रही है, देखो ये जो रास्ता है ये पूरी नदी आ रही है ऊपर से, जूम करता हूँ थोड़ा सा, पूरे ऊपर पता नहीं कहाँ से आ रही है, वहाँ भी घर हैं तो शायद ये रास्ता वहीं जाता हो लेफ़्ट वाला। तो ये नदी यहाँ से आके नीचे आवाज़ आ रही है नदी की, पता नहीं नीचे से नीचे आके कहाँ चली जाती है, पता नहीं दिख नहीं रहा है यहाँ से। और पूरी पहाड़ी रेंज है ऊपर पूरा, वो पूरी पहाड़ी, और यहाँ पे ना कोई बिल्डिंग है इस पहाड़ के ऊपर, पता नहीं क्या है वो बिल्डिंग है, वो या तो जॉर्ज एवरेस्ट वाली माइंस हैं जहाँ पे पुरानी माइंस थी वो हैं वो, या पता नहीं क्या कॉलेज है क्या, आई डोंट नो, बहुत दूर से दिख रहा है, बहुत क्यूरियोसिटी है उसको डिस्कवर करने की क्या है। और ये आसपास घर, ये घर भी बहुत अच्छी लोकेशन पे है, वो बहुत बड़े बड़े घर हैं पीछे, यहाँ विलाज भी बिक रहे थे वो देखा मैंने, ये नीचे नदी जा रही है, मस्त है। कभी लगा चांस तो मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, लेट्स सी मेरे साथ कभी तैयार होगा तो नहीं होगा, होगा या नहीं होगा जाने के लिए, ट्राई करेंगे इसको एक्सप्लोर करने की। तो चले चलते हैं दोस्त वापस, टाइम हो गया।